अब तक जब भी संसद की बात होती थी या सांसदों की बात होती थी तो लोगों के मन में एक धारणा या यूं कहें एक इमेज बन गई थी कि संसद के भीतर जब भी सांसद जाते हैं शोर शराबा हो हल्ला ज्यादा करते हैं, कामकाज नहीं होता। लेकिन 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के बाद लोगों की यह धारणा पूरी तरह बदल चुकी है और इस धारणा के बदलने के पीछे है जिसका हाथ है वो हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। बहुत बहुत स्वागत है बिरला जी जी न्यूज पर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो ये पहले सत्र में जो काम हुआ है एक इतिहास बना है, आखिर कैसे आपने इसको पूरी प्रक्रिया करके बदल डाला? सदन सर्वसम्मति से चलता है, सबको साथ लेकर चलता है। सदन में जहाँ हमारे सदन के नेता प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग रहा, प्रतिपक्ष के दल के नेताओं का भी सहयोग रहा, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों का सहयोग रहा और सभी मान्य सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में सकारात्मक रूप से सहयोग किया, जिसके कारण आपने जो सही कहा कि देश की 130 करोड़ जनता में एक धारणा बनने लगी है कि अब संसद में कार्य पद्धति आने लगी है। जो विधेयक पारित हुए हैं 35 विधेयक पारित हुए हैं और 35 विधेयक के साथ ही देश के अंदर इन विधेयकों के माध्यम से जहां देश की जनता को कानून सम्मत अधिकार मिलेंगे वहीं इस देश के अंदर सारा देश एक गणतंत्र लोकतंत्र के अंदर संपूर्ण देश एक हो, ऐसे 370 विधेयक भी पारित हुए हैं। आपके पहले सत्र में ही धारा 370 हटी, 35 से हटा और एक संकल्प पारित हुआ है जिसने देश की एकता को जोड़ा है। आप स्पीकर हैं लेकिन बात यहाँ देश की है, लगता है कि 370 हटाना 35 से देश का इतिहास बदलेगा, देश को मजबूती मिलेगी? देखो बरसों तक लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे कि एक देश में अलग अलग कानून नहीं चलना चाहिए, डिबेट हुई चर्चा हुई, इसमें भी ये बात ध्यान में आई कि संसद के पारित कानूनों को जम्मू कश्मीर में उन कानूनों को लागू नहीं होते थे, तो ऐसी चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी और इसकी एक सार्वगर्भित तरीके से चर्चा हुई। मुझे लगता है कि बहुमत के आधार पर उस विधेयक को पारित किया। तो जो पॉलिटिकल पार्टियों का रोल है, खासकर कांग्रेस पार्टी का रोल है इसमें, आप देख ही रहे हैं धारा 370 को लेकर उस तरह की आवाज़ आ रही है जो पाकिस्तान से जैसी आवाज उठती है, किस तरह से आप पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अलग अलग उनके संकल्प पत्र होते हैं, तो उनकी विचारधारा होगी। अब अभिव्यक्ति करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, जिस दल से वो चुनकर आए हैं, जो उनकी दल की विचारधारा है, जो दल उनका निर्णय करते हैं फैसले करते हैं वो संसद में बोलते हैं। अब उनकी विचारधारा उनका दल है, उनका दल मानता है कि उन्होंने कहा कि धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए, तो उनकी विचारधारा है। सत्ता पक्ष की विचारधारा थी कि 370 समाप्त होना है, सबने अपनी चर्चा की, देश की जनता ने देखा। अब अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन लगता नहीं आपको कि देश का हित ना प्रभावित होना चाहिए इस तरह की? हाँ, अभिव्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन अभिव्यक्ति के अधिकार में देश का हित सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्यों से हम आग्रह करते हैं कि हमारी संसद के अंदर हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का लाभ ये है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है लेकिन इस अभिव्यक्ति की आज़ादी से कहीं देश का नुकसान हो, इसका सभी माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए और ये मर्यादा सबको रखनी चाहिए। और निश्चित रूप से संसद में मर्यादा रखने का प्रयास भी संसद सदस्य करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर भरोसा दिलाया है कि धारा 370 हटने के बाद आपकी विधानसभा वैसे ही रहेगी, चुनाव वैसे ही होंगे और आप निश्चिंत रहें। एक लोकसभा अध्यक्ष के नाते आप जम्मू कश्मीर की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं नहीं, देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, उनको पूरा विश्वास भरोसा होना चाहिए कि उनके साथ न्याय होगा।
और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग है, वो हमारा हिस्सा है। और हमारा कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा सुंदर पर्यटक केंद्र भी है और जिससे कहते हैं मुकुट भी है भारत का। बात तो हुई जम्मू कश्मीर की, आपने संसद के भीतर बात करें, लोकसभा के भीतर ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि इतने सारे तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टियों के सांसदों को एक अनुशासन में रखना, और आपने ये कैसे हल निकाला? क्योंकि पिछले लोकसभा में हमने कई बार देखा लोग हवाई जहाज उड़ाते कागज से बना के, लोग कुछ करते हैं, इस बार बदली बदली सी थी। मैंने कोशिश करी कि सभी दल के नेताओं को बुलाया और हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी चर्चा की कि सदन की गरिमा बनाना सबका दायित्व है और हम इस भारत के लोकतंत्र की संसद की गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं। इस विश्व के अंदर जिस तरीके से भारत का लोकतंत्र अपना देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पारदर्शिता के तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, उसी तरीके से निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता तरीके से जवाबदेही के माध्यम से ये संसद भी सारे विश्व के अंदर सबसे उच्चतम मापदंड कायम करे, ऐसा प्रयास हमने किया और सभी मान्य सदस्यों ने इसका सहयोग किया। एक सवाल यदि आप कमेंट करना चाहें, जब देश भारतीय संसद ने जब धारा 370 को लेकर प्रस्ताव पारित किया दोनों सदनों ने, उसके बाद पाकिस्तान की संसद ने ज्वाइंट सेशन बुलाया था वहाँ की संसद में, उसमें प्रधानमंत्री इमरान खान का जो बयान था सारी चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन लास्ट में ये बात कही कि भारतीय संसद ने जो किया है कानून उसके बाद पुलवामा जैसी चीज़ें आगे भी हो सकती हैं, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? देखो उनकी संसद वो कुछ भी बोल सकते हैं, धमकी एक तरह से। भारत किसी धमकी से डरने वाला नहीं है और देश की सीमाओं पर हमारे सेनानी मजबूत रूप से देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारी सैन्य शक्ति मजबूत है। हम किसी पाकिस्तान की डर और धमकी में भारत कभी आने वाला नहीं है। हम सशक्त रूप से सीमाओं पर भी मजबूत है, आंतरिक रूप भी मजबूत है। आपने लोकसभा देर तक चलाई, बहुत सारा कामकाज हुआ, सांसद भी कई बार आए होंगे आपके पास कि ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो रहा, आए कुछ सांसद शिकायत कर? हाँ, निश्चित रूप से सांसद इतना लंबा संसद का सत्र बहुत सालों के बाद चल रहा है। संसद का सत्र दो पार्ट में चलता था, जब हमारा बजट सत्र होता था तभी एक हिस्सा 10 दिन और फिर बाकी हिस्सा चलता था। इस बार लगातार 37 दिन तक संसद की कार्रवाई चली, 280 घंटे चली, 72 घंटे अधिक संसद की कार्रवाई चली। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी उसके बाद जो प्रधानमंत्री की वर्किंग स्टाइल थी, काम करने का तरीका था, पब्लिक के सामने आता कि प्रधानमंत्री देर रात तक काम करते हैं फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका था वो उसका असर कहीं ना कहीं अब लोकसभा में भी दिखने लगा है, आपने जो शुरुआत की है कि ज़्यादा काम करने। देश के प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने एक कार्य संस्कृति पैदा की, लोकसभा में भी होना चाहिए, इसलिए सदन के हमारे नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेताओं को भी हमने विश्वास लिया कि क्यों नहीं सदन के अंदर हम कार्य संस्कृति को पैदा करें, क्यों न अधिकतम समय अपन संसद को चलाएं। इसलिए संसद का सत्र ज़्यादा दिन भी चला, ज़्यादा समय भी चला, और मुझे लगता है इसका असर भी रहा कि जब सत्र के दौरान प्रधानमंत्री अपने सांसदों की बैठक लेते थे तो हिदायत भी देते थे और सबका ब्यौरा भी लेते थे, कौन सांसद कब गैर हाजिर रहता है, और मैंने देखा कि जो गृह मंत्री हैं वो भी देर रात तक मौजूद रहते थे। लगता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की जो भूमिका है उससे काफ़ी सहूलियत मिली आपको? संसद सदस्य अधिकतर रुके, उनको जनता ने चुनकर इसीलिए भेजा है कि वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद में अपने क्षेत्र की जनता की अभिव्यक्ति करने के लिए इस लोकतंत्र के मंदिर में आए,
तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन माननीय सदस्यों ने हमारी पूरी कार्रवाई में 100% उपस्थिति रही है, उनको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इन इन सदस्यों ने 100% उपस्थिति रही है। और मेरा तो सभी माननीय सदस्यों से मैं से आग्रह रहता था, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, बिल्कुल, कि सभी माननीय सदस्य संसद में अधिकतम समय, क्योंकि संसद के अंदर पूरे देश की समस्याएं, अभाव, कई वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव, एक सार्वगर्भित चर्चा होती है। इसलिए नए सदस्यों को भी यहाँ पर बहुत सीखने का लाभ मिलता है। ट्रिपल तलाक, खासकर मुस्लिम महिलाओं को समानता का हक मिला है, आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के जो भी समानता के लिए और चीज़ें होनी चाहिए वो होने कदम उठाए जाने चाहिए? देखो, देश में संवैधानिक रूप से सबको अपना अधिकार दिया गया है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों को अपने अपने स्वतंत्रता और पूजा का अधिकार इस संविधान में दिया गया है, तो सबको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। इसकी बहुत लंबे समय से डिबेट चल रही थी, चर्चा चल रही थी, संसद में ये बिल पारित हुआ, हमने राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर भी हो गए, तो निश्चित रूप से एक मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिल ही रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के सांसदों की शिकायत थी कि आपने उनको मांग थी, कई बिल वो चाहते थे कि समिति को भेजें, लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी को भेजें, लेकिन आपने एक भी नहीं भेजा, ये ज़्यादा शिकायत रही। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी, और मैंने कोशिश की कि स्टैंडिंग कमेटी में तो 20 और माननीय सदस्य होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि उस विधेयक पर पूरी संसद चर्चा करे, और इसके लिए जब स्टैंडिंग कमेटी थी, मेरा ज़्यादा नैतिक दायित्व बन जाता था कि उस विधेयक पर अधिकतम डिबेट कराऊं, अधिकतम चर्चा कराऊं, और मैंने पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया उनको। बहुत सारा सुधार हुआ है ओम बिरला जी, लेकिन जब संसद लोकसभा चलती है तो कुछ सांसद बिल के भीतर आ जाते हैं, उस जिस तरह का अभी भी चलता रहता है, कोई है इस तरह का आगे आपका प्लान कि एटलीस्ट सांसद बिल के भीतर ना आए, बाकी का डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये तस्वीर अभी भी अच्छी नहीं है। संसद की मर्यादाओं को बनाए रखना सब माननीय सदस्यों का दायित्व है, और मेरी कोशिश होगी सभी दल के नेताओं से भी, सभी माननीय सदस्यों से भी, कि ये संसद आपकी अभिव्यक्ति करने का मंदिर है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार जनता ने चुनकर भेजा है, या संसद में आप कह सकते हैं, लेकिन बेल पर आना, तख्तियां लहराना, ये मुझे लगता है कि देश की जनता अब पसंद करती होगी। संसद की तस्वीर बदल रही है, भविष्य में क्या प्लान है लोग आपके, किस तरह से देश की जनता इस संसद को देखेगी, आपका कुछ प्लान है, इरादा है बदलाव करने का? अब आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, नए भारत के निर्माण की ओर भारत बढ़ रहा है, सदन के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया है कि अब एक आधुनिक और तकनीक युक्त संसद भवन होना चाहिए, इसी भवन में हो, नया भवन बने, इसके सबके सुझाव सभी माननीय सदस्यों से, यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों से, राज्यसभा के सदस्यों से, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से, वहाँ के सभापति, हम सब सामूहिक रूप से सबके सुझावों के आधार पर तकनीकी रूप से निर्माण कमेटी जो निर्णय करेगी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 2022 हमारे नए भारत के निर्माण में संसद भी नए रूप में देश की जनता को समर्पित होगी। चलते चलते पेपरलेस संसद को लेकर आपने प्लान बनाया है, उसको लेकर और देश की जनता जानना चाहती है कि आपका क्या प्लान है, कैसे बदल रहे हैं आप अंदर भी कामकाज? दुनिया में डिजिटल का युग शुरू हुआ है जी। और इस डिजिटल के युग में संसद के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा कागज का उपयोग होता है, इसलिए मैंने माननीय सदस्यों से आग्रह किया है
कि हम डिजिटल के नए तकनीकी युग में किस तरीके से कम कागज का उपयोग करें, पेपरलेस संसद का बनाएं और अधिकतम मान्य सदस्यों ने इसमें सहमति दी है, जिसका परिणाम जब आने वाले शीतकालीन सत्र में इसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखेगा।